हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इनको पढ़ना होता है और ये फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, ठीक है। या तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है या तो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। वो इससे रिलेटेड होगा तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आगे चलकर भी आप अगर कोई एग्ज़ाम देंगे, कॉम्पिटिशन देंगे, तो इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को हम लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो इंटायर सिलेबस को 6 मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया गया है। मैं बात कर रही हूँ एक के यू के सिलेबस की। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो हमारा क्या है, मॉड्यूल 1 जो है वो है हम लोग का डीसी सर्किट। हम लोग को मॉड्यूल 1 में क्या पढ़ना है, डीसी सर्किट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो डीसी सर्किट के बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है। ये फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। ये इसके बिना आप इस तीनों के बिना, ठीक है, तीनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं, दो का भी यूज कर सकते हैं या फिर तीनों का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी सर्किट हम लोग बना नहीं सकते। वो सबसे पहले पढ़ना है तभी हम लोग आगे इसका इसके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक सर्किट जो एलिमेंट्स है हमारा वो है आर, एल एंड सी। आर मतलब होता है रेसिस्टेंस पैरामीटर, एल है मेरा इंडक्टेंस पैरामीटर और सी है मेरा कैपेसिटेंस पैरामीटर। तो ये जो तीनों पैरामीटर है वो मेरा आया कहाँ से है, ठीक है। पैरामीटर कहाँ से आया है, मेरा रेसिस्टर से आया है, ठीक है। रेसिस्टेंस पैरामीटर मेरा रेसिस्टर से आया है, इंडक्टेंस पैरामीटर मेरा इंडक्टर से आया है और कैपेसिटेंस पैरामीटर मेरा कैपेसिटर से आया है। तो ये तीनों से रिलेटेड है। जब हम लोग ये तीनों को अच्छे से समझ लेंगे तो ये तीनों अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग पढ़े होंगे, 12 में भी पढ़े होंगे, 10 11 में भी पढ़ना होता है थोड़ा थोड़ा, तो ये समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर रेसिस्टर की, ठीक है। तो रेसिस्टर क्या होता है, ठीक है, इसके हम इसमें ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये बस बेसिक है। फंडा भी क्वेश्चन भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं उसी पर्पस से ये वीडियो बना रही हूँ सारा, ताकि आप लोग सेमेस्टर एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में काम है, ठीक है। तो मैं देखी थी तो उसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इंट्रोड्यूस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, इस तरह से मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इंट्रोड्यूस बस करवाना है इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेसिस्टर, रेसिस्टर क्या होता है, ठीक है। रेसिस्टर सिंपल क्या है, एक पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ठीक है। इसमें ये क्या है, टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है। तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं, तो ये क्या करता है, ठीक है, करंट को फ्लो करवाते हैं तो ये इसमें अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, ठीक है, करंट को आगे बढ़ने नहीं देता है। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा करंट उतना कम होगा, जितना कम रेसिस्टेंस होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। अवरोध उत्पन्न होता है जिस प्रॉपर्टी के कारण इसमें अवरोध उत्पन्न होता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के कारण रेसिस्टर में अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके अगले देखते हैं इंडक्टर, ठीक है। सबसे पहला है बात है का इंडक्टर बनता कैसे, हम लोग इसको किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग एक वायर लेते हैं, किसी भी लेंथ का वायर लेते हैं, आर्बिट्री लेंथ का, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल में मोड़ देते हैं इस तरह से। अगर हम लोग एक कॉइल में मोड़ दिए तो ये मेरा क्या बन गया, इंडक्टर बन गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडक्टर बोल देते हैं। क्या बनना है, इंडक्टेंस बना है। तो इंडक्टर में हम लोग, इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर में जब हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है, करंट को फ्लो करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। अगर डिफिनेशन देखा जाए इंडक्टर की, तो ये भी क्या है, एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। इसमें एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इंडक्टर जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण ये होता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टर
टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात जब करते हैं कैपेसिटर की, ठीक है, तो कैपेसिटर को हम बनाते कैसे हैं, जिस तरह से इंडक्टर इस तरह से बनाते हैं, तो कैपेसिटर को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। कैपेसिटिंग सरफेस लेते हैं, ठीक है, दो कंडक्टिंग सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये कंडक्टिंग सरफेस है, ये पैरेलल होता है, ठीक है, अगर छोटा बड़ा दे देंगे तो ये कुछ और बन जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो दो कंडक्टिंग सरफेस को जब हम लोग एक मीडियम से सेपरेट करते हैं, इस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, या इंसुलेटिंग मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से हम लोग हैं, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाता है, एक कैपेसिटर का निर्माण हो जाता है। तो यह कैपेसिटर हम लोग जब एक डाइलेक्ट्रिक के थ्रू हम लोग सेपरेट कर देते हैं तो मेरा कैपेसिटर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जब किसी कैपेसिटर में हम लोग जब करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है, तो भी ये क्या करता है, ये भी एनर्जी को स्टोर करना शुरू करता है, और ये एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, एनर्जी को स्टोर करना शुरू करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, तो जिस प्रॉपर्टी के कारण ये एनर्जी को स्टोर करता है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, नेशन की, तो ये भी क्या है, एक टू टर्मिनल पैसिव कंपोनेंट है। ठीक है, टू टर्मिनल सिंपल पैसिव कंपोनेंट है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ठीक है, पार्ट्स थे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। आगे अगले वीडियो में हम लोग ये तीनों का अच्छे से डिफिनेशन और डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।